Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, I welcome you all again. I'm your chemistry tutor, Yasir sir. And this is video lecture number 10 for the part Carboxylic Acids. We are discussing organic chemistry for class 12. And we have chemical properties which we started. And in the video lecture number 9, we have acidic nature of carboxylic acids discussed. आज हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक कैरेक्टर जो है वो डिस्कस करेंगे. तो मैं यहां पे लिखता हूं, आज का टॉपिक जो है बेसिकली वो है स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो मैं बात कर रहा हूं बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ की. मैं यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ यानी कि एसिडिक ऑर्डर की हम यहां पे बात करेंगे. लेकिन यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड जो है वो डिस्कस करेंगे हम इन टर्म्स ऑफ, वी विल डिस्कस just wait a second, I'll dust roll out the mic again. तो स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम करेंगे डिस्कस इन टर्म्स ऑफ इट्स के ए या पी के ए वैल्यू. इस बात को ध्यान में रखेंगे आप, ये क्या होता है हम ये डिस्कस करेंगे. देखें, इस चीज को समझने के लिए लेट अस सपोज हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको हम जनरल रिप्रेजेंटेशन में हम ऐसे लिखेंगे आर सी ओ ओ एच. ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है. आप क्या करेंगे, H पॉजिटिव देने के लिए आप प्यारे बच्चों इसको पानी में डालेंगे. सिंस ये वीक एसिड है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड सच एज H2SO4, HCl नाइट्रिक एसिड, तो ये उनके कंपैरिजन में वीक एसिड होता है. वीक एसिड की आयोनाइजेशन हम रिवर्सिबल एरो से दिखाते हैं. और यहां पे यहां H प्लस निकलेगा बिकॉज एसिड है. रो H प्लस यहां लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो निकलेगा यहां एक तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा RCOO नेगेटिव, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन. और H2O जब एक H प्लस यहां से गेन करेगा तो हम उसको कहते हैं H3O प्लस, इसको आप कहते हो हाइड्रोनियम आयन. यहां तक क्लियर हुआ? अब आपको पता है आप उसको H पॉजिटिव एक्वस लिखो या हाइड्रोनियम आयन लिखो एक ही बात है. तो इसका मतलब हुआ एसिड ने वाटर में H प्लस दिया और इसकी आयनाइजेशन ऐसे दिखाई. मैंने आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाया है, जरा इस प्रोसेस के लिए एट इक्विलिब्रियम क्या मैं लिख सकता हूं, एट इक्विलिब्रियम जरा इस प्रोसेस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखिए क्या होगा. क्या मैं लिख सकता हूं, के इक्विलिब्रियम मींस एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप इसको खाली के भी लिख सकते हो. किसके बराबर होगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन दैट इज आर सी ओ नेगेटिव into molar concentration of hydronium ion that is H3O positive divided by molar concentration of RCOOH that has been remained after at equilibrium, and this will be the molar concentration of water that is usually remains constant. अब आपको पता है since the concentration, molar concentration of a solvent that is water is practically remains constant, तो क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे K equilibrium into molar concentration of water because ये change नहीं होगी तो इसको मैं इसके साथ लिखूंगा is equal to यहाँ पे क्या बचा RCOO negative into hydronium ion concentration that is H3O plus divided by undissociated carboxylic acid जो रहता है equilibrium पे. अब ये constant into another constant we called that as ionization constant, हम उसको के ए से रिप्रेजेंट करेंगे. ए हम इसलिए लिखेंगे बिकॉज हमने जो पैरेंट कंपाउंड लिया वो है एसिड,
तो क्या मैं लिख सकता हूं के इक्विलिब्रियम इनटू कांस्टेंट वाटर कंसंट्रेशन, उसके बजाय मैंने लिखा के ए, तो बताओ किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्विवेलेंट टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड आरसीओएच। तो ये इक्वेशन, इसको मैं ब्लॉक में रखता हूं। इस इक्वेशन से आपको क्या पता चलता है? देखिए, दिस इज द आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां पे जो मैंने ऊपर लिखा ना स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ, वो आपको कैसे डिटरमिन होगी? अगर आप इस इक्वेशन की तरफ देखेंगे, ध्यान दें, इस इक्वेशन की तरफ अगर आप देखेंगे, ये इक्वेशन हमें ये बताता है अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन ज्यादा है, यानी कि एच पॉजिटिव आयन ज्यादा है, जब ये ज्यादा होगा इसका मतलब उस टाइम के ए ज्यादा होगा। व्हाट डज इट इंडिकेट? ग्रेटर हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इंडिकेट्स ग्रेटर एसिडिक स्ट्रेंथ, बिकॉज जितना एसिड डिसोसिएट होके एच पॉजिटिव आयन हाइड्रोनियम आयन ज्यादा देगा, इसका मतलब है वो उतना स्ट्रॉन्गर एसिड है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स विच आर गिवन आफ्टर द डिसोसिएशन। अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना प्यारे बच्चों, इसका मतलब है वो एसिड स्ट्रॉन्गर है। दैट मीन्स जिनकी ये कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी उसका के वैल्यू ज्यादा होगा, और जिसका के ए वैल्यू ज्यादा होगा उसका स्ट्रेंथ जो है एसिडिक करेक्टर वो ज्यादा होगा। तो हमने इसीलिए कहा था, मैंने ऊपर लिखा था स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ इट इज के ए और पी के ए वैल्यू। अब ये पी के ए क्या है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, वैसे आपको ऑलरेडी पता भी होगा ये। देखिए क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे, इस इक्वेशन से हमें ये प्रूव हुआ दैट के ए का वैल्यू जो है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम। व्हाट डज इट इंडिकेट? इट मीन्स ग्रेटर द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन मोर विल बी द वैल्यू ऑफ के ए, एंड मोर इज द वैल्यू ऑफ के ए, ग्रेटर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या मैं कह सकता हूं अब के ए का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू एसिडिक स्ट्रेंथ? इस पॉइंट को समझिए, के खुद किस पे डिपेंड करता है? के खुद डिपेंड करता है कि हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू कितना है। अगर वो ज्यादा है तो के ज्यादा है, और जितना के ज्यादा होगा इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। यहां पे क्लियर हुआ? गुड। नाउ लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है, हमारे क्वेश्चंस में यूजुअली जो वैल्यू दिया जाता है ना वो प्यारे बच्चों के ए नहीं होता है। सिंपली आप एक बात याद रखिए, यहां पे एक नोट पॉइंट में डाल देता हूं। पहला क्या, जितना के ए का वैल्यू ज्यादा होगा, ऊपर मैंने एरो दिखाया इसका मतलब इंक्रीज, उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ, उतना ही एसिडिक करेक्टर, उतना ही एसिडिक नेचर, ऐसे में लिख सकता हूं उतना ही एसिडिक नेचर जो है, एसिडिक नेचर उतना ही ग्रेटर होगा। एसिडिक नेचर का हो, एसिडिक स्ट्रेंथ का हो, या एसिडिक करेक्टर का हो, जितना के ए का वैल्यू ज्यादा, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, जितनी हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी कामा उतना ही के ए वैल्यू ज्यादा होगा, देयरफॉर उतना ही एसिडिक नेचर, इनके एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। ऊपर एरो का मतलब है इंक्रीज। ये तो पहला पॉइंट हुआ, ठीक है, ओके सर ये समझ आ गया हमें। दूसरा पॉइंट देखो क्या है, हमारे क्वेश्चंस में यूजुअली के ए का वैल्यू नहीं दिया होता है, वहां पे दिया होता है नेगेटिव लॉग ऑफ के ए, ऐसे के ए का वैल्यू नहीं बल्कि उसका नेगेटिव लॉगरिथम दिया होता है, के ए को नेगेटिव लॉग अप्लाई किया जाता है और उस वैल्यू को हम कहते हैं पी के ए। इस बात को समझिए, जितना के ए का वैल्यू ज्यादा होगा नेगेटिव लॉग जब आप उसको अप्लाई करोगे ना वो वैल्यू उतना ही कम होगा। इसका मतलब है अगर के ए का वैल्यू ज्यादा है दैट मींस हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब एसिडिक नेचर ज्यादा है, लेकिन के ए का वैल्यू ज्यादा का मतलब है नेगेटिव लॉग ऑफ के ए उतना कम। तो इसीलिए क्वेश्चंस में यूजुअली दिया होता है कि जितना पी के ए वैल्यू, या ऐसे भी लेते हैं देखिए मैं आप यहां पे देखो पॉइंट्स क्या आएंगे, अब जितना के ए का वैल्यू ज्यादा होगा, क्लियर हो रहा है, नेगेटिव लॉग अप्लाई करोगे तो वो वैल्यू नेगेटिव लॉग से और ज्यादा कम हो जाएगा, इसका मतलब है पी के ए वैल्यू उतना ही कम होगा।
और देयरफॉर एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। अब फोर डायरो का मतलब है ज्यादा, तो मैंने ये क्यों बताया, बिकॉज माय डियर स्टूडेंट्स आपके एग्जामिनेशन में के ए का वैल्यू यूजुअली नहीं दिया जाता है, ज्यादातर पी के ए का वैल्यू दिया जाता है। तो एक एसिड के लिए जितना पी के ए का वैल्यू कम होगा इसका मतलब ही है उसका के ए ज्यादा होगा, वो एसिडिक स्ट्रॉन्गर होता है। तो क्या हम इसमें ये पॉइंट लिख सकते हैं दैट सर इसका मतलब ये हुआ ना दैट एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक नेचर जो होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ पी के ए। व्हाट डज इट इंडिकेट, इसका मतलब ये हुआ जिस एसिड का पी के ए वैल्यू कम होगा, वही तो मैं कह रहा था, उसका एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा एंड वाइस वर्सा। दैट्स इट, ये पॉइंट आप यहां पे समझ लो। अब डिफरेंट एसिड्स के डिफरेंट के ए और पी के ए वैल्यूज दिए होते हैं, तो आप टेबल में कंपैरिजन करके आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है कौन सा वीकर एसिड है, ठीक है ना। तो सिंपली आप याद रखेंगे जिस एसिड का पी के ए वैल्यू कम होगा कम, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, और जिस एसिड का पी के ए वैल्यू ज्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ रिलेटिवली कम होगी। इस बात को हमेशा के लिए ध्यान रखना, आप बेसिस के लिए भी कर सकते हैं, अगर जिस बेस का पी के बी वैल्यू कम होगा वो ज्यादा बेसिक होगा, और जिस बेस का पी के बी वैल्यू ज्यादा होगा वो कम बेसिक होगा। बिकॉज के बी और के ए वैल्यूज को जब आप नेगेटिव लॉग अप्लाई करते हो ना तो वहां पे वो पी के ए या पी के बी बनते हैं। तो सिंपल में आप याद रखेंगे शॉर्ट टर्म्स में, एसिड जिस एसिड का पी के ए वैल्यू कम है वही ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिडिक है एंड वाइस वर्सा। दैट्स इट, तो ये आपको ये स्टार डाल देता हूं मैं यहां पे, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए अब समझिए, ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ के पी के वैल्यू हमने बात की। कहते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो खाली इस पे नहीं डिपेंड करता है पी के कितना है नॉर्मल, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि उस एसिड के साथ सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से अटैच्ड है। देखिए मैं पहले ये इरेज करता हूं, अगर आपको याद होगा मैंने आपको कल बताया दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो, कल मैंने पढ़ाया आपको स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज डिटरमिन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड is determined by the stability of its conjugate base। I hope ये आपको कल समझ आया होगा, यानी कि जब acid H plus ion release करता है तो वहां पर जो base corresponding बनती है अगर उस बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो वो एसिड इजीली H प्लस आयन देगा। तो ये हमने कहा स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज डिटरमिन्ड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कंजुगेट बेस। व्हाट डज इट इंडिकेट, इट इंडिकेट्स इसका मतलब क्या है, मोर द स्टेबिलिटी मोर द स्टेबिलिटी ऑफ conjugate base of an acid, more the stability of conjugate base of an acid, comma, more will be the acidic strength, more will be the acidic strength, that means tendency to release H positive, मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, that means tendency to release H plus ions and more will be the acidic strength of that acid simply। यानी कि आप अगर आपको दो या तीन एसिड दिए हैं आपको बताया जाएगा कि बताओ कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो आपने उसके लिए सिंपली याद रखा दैट जिस एसिड की कंजुगेट बेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी स्टेबल होगी वो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है ना। हमने स्टेबल लिखा ना कि स्ट्रॉन्गर लिखा,
स्टेबल, हाँ मोर स्टेबल होगी वो कॉरस्पॉन्डिंग एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। लवरी ब्रोनेस्टेड कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं यहाँ पे और कुछ नहीं है ये। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, ऐसे ग्रुप्स जो कंजुगेट बेस यानी कि नेगेटिव चार्ज ऑफ बेस को स्टेबलाइज कर सके, बिकॉज मैंने आपको ये भी कहा है, मैं वो पॉइंट भी लिखने जा रहा हूं यहां पे, मैंने आपको ये भी कहा था डिस्पर्सल। देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो, ये जो मैंने यहां पे लिखा ना इसका मतलब अगर शॉर्ट फॉर्म में हम ये लिखेंगे दैट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कितनी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगी टू द स्टेबिलिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कंजुगेट बेस। कहने का मतलब ये, इस बात को ध्यान से समझो, एक एसिड की स्ट्रेंथ कितनी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि उसके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी कितनी है। अगर कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उसके एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यानी कि वो इजीली H+ आयन रिमूव करेगा, रिलीज करेगा। ये पहला पॉइंट है, समझा भी चुका हूं पहले। देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखने जा रहा हूं, इसलिए ये वाला पार्ट रेज करता हूं। पॉइंट क्या है, देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर टू, ये भी आपने पढ़ा, डिस्पर्सल ऑफ चार्ज लीड्स टू स्टेबिलिटी, डिस्पर्सल ऑफ चार्ज लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। एग्जाम्पल में भी समझाएंगे, व्हाइल concentration या intensifying, while as concentration of charge leads to destability। इस बात को समझिए, यानी कि अगर कोई सिस्टम ऐसा है जहां पे कुछ होने की वजह से चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, एक जगह पे नहीं रह रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, यानी कि टेंशन आप डिस्पर्स कर रहे हो तो उससे स्टेबिलिटी आती है। लेकिन अगर कहीं पे चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है या चार्ज नजदीक आ रहा है यानी कि टेंशन इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से डीस्टेबिलिटी आती है। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए जो हम एसिडिक ऑर्डर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट आ गया इंपॉर्टेंट, क्या, देखो पॉइंट नंबर थर्ड, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स जिनको आप ई डब्ल्यू जी लिख सकते हो सीधे, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स डिस्पर्सेस द नेगेटिव चार्ज ऑफ कंजुगेट बेस एंड हेंस इंक्रीजेस। ये जो मैंने नीचे इरेज किया ये क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। अब कंजुगेट बेस कितनी स्टेबल होगी या डीस्टेबल होगी वो मैं ऊपर पॉइंट्स लिखने जा रहा हूं। पहला पॉइंट मैंने लिखा, अगर कंजुगेट बेस में चार्ज डिस्पर्स हो रहा है यानी कि चार्ज जो है वो फैल रहा है किसी वजह से तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है, बिकॉज डिस्पर्सल ऑफ चार्ज लीड्स टू स्टेबिलिटी। लेकिन अगर किसी वजह से चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, एक ही जगह पर रुक रहा है, ठीक है ना, लोकलाइज हो रहा है, उसकी वजह से डिस्टेबिलिटी आती है कंजुगेट बेस में। इसके बाद मैंने क्या पॉइंट लिखा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स अगर आप रखोगे, देखो अगर आप कंजुगेट बेस में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रख रहे हो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉ करता है तो वो नेगेटिव चार्ज जो है वो अपनी तरफ खींच रहा है तो चार्ज कम कर रहा है वहां पे। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स
disperses the negative charge of conjugate base and hence increases its stability. अब आप कहोगे सर यहाँ पे आप कंजुगेट बेस के बारे में क्यों ज्यादा बात करते हो, बिकॉज मैंने अभी आपको कहा कंजुगेट बेस की जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उतना ही उसके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। सबको क्लियर हो रहा है मतलब क्या है इस बात का? देखो इस बात का क्या मतलब है, मान लो मेरे पास जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे मान लो ऐसे है, ये मान लो COO नेगेटिव है, आपको पता है कार्बोक्सिलेट आयन बनता है जब H प्लस निकलता है, ठीक है ना, प्लस H प्लस आयन बाहर चला गया। लेकिन अगर इस कार्बोक्सिलेट आयन को यहां से कोई ऐसा ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, फिर से सुनो जो ही एसिड एच प्लस आयन देता है, दिया एच प्लस, वहां पे कौन सा आयन बनता है, कार्बोक्सिलेट, ये कार्बोक्सिलेट आयन है, नेगेटिव चार्ज रहा ना। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज किसी वजह से डिस्पर्स हो रहा है, उधर इधर जा रहा है, तो उसकी वजह से ये कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल रहेगा, यही तो कंजुगेट बेस है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, विदड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स, या तो ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट करेगा या ड्यू टू रेजोनेंस करेगा, वो देख लिया जाएगा बाद में। उसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा नहीं रहेगा, ये इधर की तरफ जाएगा, यानी कि यहाँ पे डिस्पर्स चार्ज हो रहा है, तो उसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। इसका मतलब है अगर आप इसके केस में देखोगे, इफ एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच्ड टू अ कार्बोक्सिलिक एसिड, देन आफ्टर द रिलीज ऑफ एच पॉजिटिव आयन्स दैट इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज, विद द रिजल्ट इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। अब कॉमन सेंस है, जब स्टेबिलिटी कंजुगेट बेस की इंक्रीज हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ ना, तो इसका मतलब है इजी रिलीज ऑफ एच पॉजिटिव आयन होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे याद रखना है दैट इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स जो है वो क्या करते हैं, वो इंक्रीज करते हैं क्या, स्टेबिलिटी, वो इंक्रीज करते हैं स्टेबिलिटी किसकी, ऑफ कंजुगेट बेस की। जब कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से एसिडिक नेचर जो है वो भी इंक्रीज होता है। वो मैंने यहाँ पे समझा दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल सर एग्जाम्पल दीजिए, मान लो मेरे पास है CF3COOH, आप आयोनाइज करोगे इसको वाटर में, क्या देगा, ये देगा एक तो H प्लस देगा दूसरा देगा CF3COO-। बात समझे ना, यहाँ पे CF3 जो है तीन फ्लोरीन एटम्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। व्हाट आई वांट टू से इज दैट, लुक एट दिस एग्जांपल, अगर मैं खाली लूंगा CH3COOH, देखिए दो चीजें लेते हैं, और दूसरा मैं लूंगा CF3COOH, इन दोनों में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, दोनों में उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी जो H प्लस आयन रिलीज करने के बाद जब उसकी कंजुगेट बेस बनेगी, इन दोनों में जो कंजुगेट बेस स्टेबल होगी उसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड इतना ही स्ट्रांगर होगा। सर यहाँ पे जब H प्लस आयन रिलीज होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, सर यहाँ पे बनेगा CH3COO- और प्लस एच पॉजिटिव बाहर जाएगा, जाहिर सी बात है। यहाँ क्या होगा एक्वस सॉल्यूशन में, यहाँ पे CF3COO- बनेगा और यहाँ पे भी एच प्लस जाएगा बाहर। ये बन गई कंजुगेट बेस ऊपर वाले केस में, ये बन गई कंजुगेट बेस नीचे वाले केस में। अब मुझे बता दोनों कंजुगेट बेसिस में कौन सी बेस स्टेबल होगी, जो बेस स्टेबल होगी उसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। अब आप यहां पे चेक कीजिए, देखिए ऊपर चेक कीजिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग केस हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहां पे कितने हैं, CH3 कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन है, तो ये ऐसे है कार्बन के साथ मान लो तीन हाइड्रोजन है और है COO-, या चलो मैं डायरेक्टली लिखता हूं COO-। यहां पे क्या है, हाइड्रोजन्स, देखो हाइड्रोजन्स, ये वाला केस नंबर फर्स्ट, ये नंबर फर्स्ट। जरा दूसरा देखो, यहां पे CF3 है तो CF3 को मैं ऐसे बनाऊंगा, देखें COO-, यहां पे CF3 है, ये मान लो केस दूसरा है। मुझे बताओ इन दो बेसिस में कौन सी बेस ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल
मैं स्ट्रॉन्गर नहीं कह रहा हूँ, स्टेबल कह रहा हूँ। जो स्टेबल होगी ना उसका कॉरस्पॉन्डिंग कंजुगेट एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम्स हैं, तो हाई इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेंगे, जिसकी वजह से इस कार्बन पे काफ़ी ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव आएगा, और वो डेल्टा पॉजिटिव कम करने के लिए वो यहाँ इस बॉन्ड पे इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करेंगे। इधर से ये नेगेटिव चार्ज जो है ना, देखो ये नेगेटिव चार्ज अब ऑक्सीजन पे नहीं रह रहा है, वो फ्लोरीन एटम्स थोड़ा थोड़ा डेल्टा नेगेटिव करके अपनी तरफ ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पे हो रहा है डिस्पर्सल ऑफ चार्ज। मैंने पहले ही पढ़ाया आपको, डिस्पर्सल ऑफ चार्ज लीड्स टू स्टेबिलिटी, डिस्पर्सल ऑफ चार्ज लीड्स टू स्टेबिलिटी। लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसा ग्रुप है नहीं, इनफैक्ट मिथाइल ग्रुप जो होता है CH3 ग्रुप को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तसव्वुर किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्पर्स करने के बजाय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छोड़ेगा, यहाँ पे चार्ज का इंटेंसिफाई हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। बताओ दोनों बेसिस में कौन सा ज्यादा स्टेबल है? दिस वन इज मोर स्टेबल, इसका मतलब है इसका एसिड ज्यादा स्ट्रांगर होगा। सबको क्लियर होगा? अब जिसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा होता है तो एसिडिक सिट्रगत भी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? जैसे जैसे मैं देखो कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, जैसे देखो मतलब क्या है इसका, मैं पहले लिखूंगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ सर्टेन ग्रुप्स। देखिए इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट है ना ऑफ ग्रुप सम ग्रुप्स, कुछ ग्रुप सम देंगे वो क्या है, वो यहाँ पे आप याद रखेंगे CF3 का ज्यादा होता है देन NO2 ग्रुप का, इसका ज्यादा होता है देन CN ग्रुप का, इसका ज्यादा होता है देन फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, और लास्ट में आता है फिनाइल, फिनाइल होता है C6H5। ये आप ऑर्डर याद रखेंगे, ये आप ऑर्डर याद रखेंगे। इस पर हम अभी एग्जांपल करेंगे। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है इसका, उसके बाद इसका, इसका, इसका और इसका। देखिए मान लो यही पे एक क्वेश्चन करते हैं, मान लो हमारे पास 3 एसिड है, एक है PHCOOH, ये मान लो ऑप्शन ए है, दूसरा है CNCOOH ऐसे, ठीक है, या NO2 भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं। मान लो आपने NO2 लिया, NO2 ठीक है, या चलो ये लेते हैं CF3COOH ठीक है, और ये वाला ले लो CH3COOH, चल ये लेते हैं। बताओ मुझे एसिडिक ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, किसकी H पॉजिटिव आयन रिलीज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? देखो उसकी ज्यादा होगी जिसमें कंजुगेट बेस में डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि सिंपली आपको याद रखना है जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिस एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है ना, वो इजीली H प्लस देता है, बिकॉज उसकी वजह से जो नेगेटिव आयन बनता है ना, उस नेगेटिव आयन को स्टेबलाइज वही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स करते हैं, बिकॉज वो नेगेटिव चार्ज जब उस पर चढ़ता है ना, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स वो नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचते हैं, तो डिस्पर्सल ऑफ चार्ज होता है सिंपली। अब अगर आपके पास एग्जाम्पल है ऐसी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, वहाँ पे आपको देखना है स्ट्रॉन्गर इफेक्ट किसका होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ज़्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। तो आप देखो एक तो फिनाइल है, फिनाइल वहाँ पे है, वो तो लास्ट में है, CF3 तो पहले है, ठीक है ना, और CH3 तो खाली है, तो बताओ सबका सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा। तो अगर मैं एसिडिक ऑर्डर की बात करूँगा, यहाँ पे देखिए एसिडिक ऑर्डर की बात करेंगे ना, तो B का जो है वो ग्रेटर आएगा, उसके बाद A का और उसके बाद C का, ये हो गया आपका एसिडिक सिट्रोन। तो बस आपको ये दिमाग में रखना है, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सर अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं था बल्कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप था, मतलब क्या है,
सर मतलब ये कि COO नेगेटिव के साथ अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप था, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा? देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है, इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ नहीं रहने दे रहा है ज्यादा, वो डिस्पर्स कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। रिलीज रिलीज का मतलब है ये यहाँ की तरफ छोड़ रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है, और जब आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को जोड़ते हो ना वो और नेगेटिव चार्ज छोड़ता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज होगा ना, आप खुद ही समझो ना, यहाँ पे क्या होगा सर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज, जितना चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, लोकलाइजेशन हो रहा है, उतनी ही सिस्टम में सिटेबिलिटी डिक्रीज होती है, इस बात को याद रखिए, उतनी ही उस सिस्टम में सिटेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, इस बात को ध्यान में रखिए। फिर क्या आप कहोगे, तो ये क्या कहेगा इसको, यार मैं तो नेगेटिव चार्ज था, आप तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हो, मैं तो डिस्टेबल हो रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, ये और ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से यहां पे रिएक्टिविटी बढ़ेगी, तो ये इसको वापस खींच सकता है बैक, तो इसका मतलब है जब इसको खींचने की टेंडेंसी वापस होगी, यानी कि H+ रिलीज करने की टेंडेंसी कम होगी, उसकी वजह से एसिडिक सिट्रंगत जो है वो कम होगा, बात समझ आ रही है ना, बेसिकली एसिडिक सिट्रंगत एसिड की इसी पे हम डिटरमिन करते हैं दैट उससे जो कंजुगेट बेस बनती है वो कितनी ज्यादा स्टेबल है, जितनी कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगी ना उतना ही उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड स्ट्रॉन्गर होगा। सो शॉर्ट में आप याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया कुछ, दे इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, व्हेयरएज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है दे डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय इंटेंसिफाइंग द नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बोक्सिलेट आयन। सबको क्लियर हुआ? अब इसमें से कुछ एग्जाम्पल देते हैं, देखिए सिंपल है, मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं। मान लो अब मेरे पास एक ऐसी प्रॉब्लम है, देखो प्रॉब्लम देखिए ही समझाएंगे, मान लो मेरे पास एक कंपाउंड ये है COOH, इसको क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड, मान लो ये A है, मान लो दूसरा जो है वो है COOH है, लेकिन मैंने एक पोजीशन पे मान लो NO2 ग्रुप डाल दिया है, NO2 ग्रुप आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, और मान लो सी ऑप्शन जो है, एक और लेते हैं, सपोज COOH के साथ मान लो OCH3 ग्रुप है या OH ग्रुप है, OH भी डाल सकते हो आप, OCH3 भी डाल सकते हो, याद रखना प्यारे बच्चों इसमें कोई ग्रुप है ही नहीं, देखो इसमें कोई ग्रुप है ही नहीं, खाली एसिडिक ग्रुप है, बेंजोइक एसिड, इसको कहते हैं पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, अगर आप इस ग्रुप को देखोगे ना, ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ये ग्रुप है जो खींचेगा, और अगर आप इस ग्रुप को देखोगे ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये देता है। आप मुझे बताइए, मैंने आपको शॉर्ट में कहा, सिंपल पॉइंट आप दिमाग में रखना, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है वो इंक्रीज करते हैं एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, whereas electron releasing groups they decreases the acidity of carboxylic acids। तो आप मुझे बताओ इन तीन examples में से जो मैंने आपको नीचे examples तीन दी, ये देख लीजिए यहाँ पे, इन तीन examples में मुझे बताइए acidic sitrangath क्या होगा, सबसे ज्यादा acidic sitrangath किसकी होगी, जहाँ पे electron withdrawing group present होगा, जहाँ पे electron withdrawing group present होगा वो किस में है, वो तो खाली इसमें है, तो पहले नंबर पे बी आएगा, क्लियर हो गया। उसके बाद किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाले जो है वो तो कम है, वो तो डिक्रीज कर देते हैं, तो दूसरे ऑप्शन पे जो आएगा वो ए आएगा, और लास्ट ऑप्शन पे सी आएगा, दिस विल बी द एसिडिक स्ट्रक्चर। सबको क्लियर हुआ, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? तो सिंपली आप याद रखेंगे दैट अगर कार्बोक्सिल, ये इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, तो ध्यान में रखेंगे, सिंपली आप याद रखेंगे दैट अगर आपके जो सब्सिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, सब्सिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का क्या मतलब होता है, जिनमें
कार्बोक्सिलिक एसिड सी ओ ओ एच जो होता है उसमें जो कार्बन चेन होती है वहां पे सब्स्टिट्यूशन हुई है, या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे नोट ही डाल देता हूँ, आपको याद रहेगा, आप भी नोट डाउन करेंगे, सिंपली आप याद रखेंगे दैट यहाँ पे डालेंगे नोट क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स increases the acidic strength, increases the acidic strength of substituted carboxylic acid. Substituted का मतलब है, जाहिर सी बात है कोई ग्रुप आपने इंट्रोड्यूस किया, while electron releasing groups they increases nahi but decreases the acidic strength of substituted carboxylic acids. Simple, theek hai. To ye is example se aapko pura clear ho gaya hoga jo maine aapko abhi thodi der pehle example diya, ठीक है? तो आपके लिए मैं एक होमवर्क रखता हूँ, मैं चाहता हूँ वो आप घर पे करें। होमवर्क आपके लिए ये है, यहाँ पर मैं देता हूँ होमवर्क, हालांकि थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है करने में, लेकिन मैं चाहता हूँ आप करें। चलिए मैं यहाँ पे होमवर्क देता हूँ, मैं चाहता हूँ आप ये प्लीज़ घर पर ट्राई करें, नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं दिखाऊँगा। होमवर्क क्या है, एक होमवर्क क्या है, आपको एसिडिक ऑर्डर बताना है, एसिडिक ऑर्डर बताइए किसका, नीचे दूंगा मैं, पहले है C6H5 COOH, एक ये है जिसको आप बेंजोइक एसिड कहते हो, दूसरा है आपके पास CA है, दूसरा है आपके पास एसिटिक एसिड CH3COOH, ये दूसरा है, और लास्ट वाला जो है वो है HCOOH, इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। और ये जो मैंने होमवर्क आपको दी ना, इसको मैं लिखूंगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, होमवर्क करके दीजिए, आया तो ठीक है, नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं इसका जवाब दे दूंगा। इसके साथ हमारा लेक्चर नंबर 10 कंप्लीट होता है, दैट इज एसिडिक नेचर ही हम डिस्कस कर रहे थे, बट आज हमने रिलेटिव एसिडिक ऑर्डर पढ़ा, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हमने बात की, के पी के वैल्यूज के बारे में बात की, हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स के बारे में बात की। इंशाल्लाह वी आर गोना डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। तो बस इसमें कुछ 2 या 3 और लेक्चर्स लगेंगे, 4 भी लग सकते हैं, मे बी 3 या 4 लगेंगे, तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू चैप्टर। चलो मैं बता देता हूँ, अगर न्यू चैप्टर मे बी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रादर बेसिकली वो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, तो उसमें से मैं एक यूनिट शायद आपको पढ़ाऊँ। तो चले मिलते हैं, टिल देन फियामन अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।